नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए हेमंत सरकार कृत संकल्प है। इसे लेकर कई योजनाएं शुरू की गई, वहीं कई शुरू होगी। ये योजनाएं झारखंड की दिशा दशा बदलेगी। लंबे संघर्ष के बाद झारखंड मिला, पर गुजरे दो दशकों में राज्य को जहां होना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच सका। यह कहना है युवा सीएम हेमंत सोरेन का। मौका था बोकारो के नवाडी में कई योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं परिसंपत्तियों के वितरण समारोह का। सीएम ने कहा कि समाज के हर तबके के हित और उनके भले से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे सिर्फ अपनी पढ़ाई की चिंता करें, पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी। स्कूली शिक्षा से लेकर विदेशों में उच्च शिक्षा तक के लिए सरकार के पास योजनाएं हैं। बच्चियां स्कूल से जुड़ी रहे, इसके लिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की गई है। छात्रवृत्ति राशि में इजाफा किया गया है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग से लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ जैसे कोर्स की पढ़ाई पर सरकार खर्च कर रही है। इसी कड़ी में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन न्यूनतम ब्याज दर पर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो को 17,97,82,000 रुपए की लागत वाली 70 योजनाओं की सौगात दी। रांची के गरीब, लाचार और बेबस बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार उन्हें 40,000 रुपए देगी। कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को ये लाभ मिलेगा। स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुकी 18 से 19 साल की किशोरियों को चिन्हित कर उनकी लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। करीब 55,000 किशोरियों को यह लाभ देने का मन रांची जिला प्रशासन ने बनाया है। रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने आज मीडिया को बताया कि किशोरियों को यह लाभ सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत मिलेगा। इसे लेकर आज एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर डीसी ने रवाना किया। बाल विवाह, दहेज प्रथा को खत्म करने और बेटियों को हाई एजुकेशन देने के मकसद से सरकार ये योजना लाई है। रांची, रामगढ़ और हजारीबाग के जुआरियों के अड्डे पर हथियार का भय दिखाकर जबरन उगाही करने वाले एक एक्टिव गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। गिरोह के 11 सदस्यों को रामगढ़ पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से पिस्टल, देसी कट्टा, रिवॉल्वर, मैगजीन, भुजाली और 11 जिंदा गोलियां मिली है। वहीं जिस मारुति वैन में ये लोग सवार थे उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया। सबके पास मोबाइल फोन भी मिले। रामगढ़ के पुलिस कप्तान पीयूष पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरोह के 11 सदस्य किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। लोग एक मारुति वैन से रामगढ़ से हजारीबाग की तरफ जा रहे हैं। पुलिस कप्तान के निर्देश पर गठित टीम ने मारुति सवार बदमाशों को मांडू के पास पकड़ लिया। सीसीएल के जमीन पर से अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन को जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। लाख समझाने पर जब लोग नहीं माने तब प्रशासन सख्त हो गया और लाठी भांजनी शुरू कर दी। प्रशासन के कड़े तेवर को देख लोग हटे। इसके बाद प्रशासन ने वहां गलत तरीके से बने मकानों को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि सीसीएल ने पपरवा टांड की अपनी जमीन सरकार के नाम कर दी है। सरकार यहां अधिकारियों के लिए आवास बनाने वाली है, पर खाली पड़ी जमीन पर कुछ लोग गलत तरीके से अपना मकान बना रह रहे थे। इसी निर्माण को तोड़ने आज प्रशासन वहां पहुंची थी। 10 लाख रुपए का इनामी माओवादी नीरज सिंह खेरवार उर्फ संजय खेरवार के सरेंडर करने की खबर है। वो पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के आबुन गांव का रहने वाला है। लोहरदगा, लातेहार, गुमला और पलामू में एक्टिव था। उसे संगठन में सब जोनल कमांडर का ओहदा मिला था। इन इलाकों में नक्सलियों के कमजोर होते खूंटे को देख संजय खेरवार ने सरेंडर करने का मन बना लिया। वो बीते कई महीनों से कुछ अधिकारियों के संपर्क में था। पुलिस ने उसे सरकार की सरेंडर पॉलिसी का पाठ पढ़ाया और जगाया, तब उसने हथियार डाल देने की ठान ली। हालांकि पुलिस ने अब तक आधिकारिक तौर पर उसका असर नहीं किया है। एनसीबी की टीम ने पलामू में रेड कर आज गांजा की बड़ी खेप को पकड़ा है। दो तस्कर भी धरे गए। बरामद गांजे की कीमत लाखों रुपए आंकी गई। गिरफ्तार तस्करों ने बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। इनका संजाल झारखंड, उड़ीसा और यूपी तक फैला हुआ है। तस्करों ने कई चौंकाने वाली जानकारी एनसीबी को दी। मिले इनपुट पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस छापेमारी में पलामू के सदबरवा और सदर थाने की पुलिस शामिल थी। एनसीबी ने गांजे की खेप के साथ एक कार चालक और एक अन्य शख्स को गिरफ्तार किया है। यह शख्स बिहार का रहने वाला है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी धनबाद में हैं। धनबाद और झरिया के कई माइंस के बारे में उन्होंने जानकारी ली। वही माइंस में लगातार हो रही घटनाओं के बारे में कुछ लोग अपनी बातें कोयला मंत्री तक पहुंचाना चाहते थे, पर उन्हें केंद्रीय मंत्री से मिलने नहीं दिया गया। इसी तरह झरिया विधानसभा के कई पत्रकारों को भी कोयला मंत्री से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। आर के माइंस के अंदर भी पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया। आम लोगों से लेकर पत्रकारों तक को कोयला मंत्री से मिलने नहीं दिया गया। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में अलग अलग चर्चा है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।